नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण कैल जेबाक मांग करैत सर्वोच्च अदालत में रिट पड़ल छे। अधिवक्ता सुनील रंजन सिंह आ सरिता थापा राष्ट्रपति कार्यालय के विपक्षी बनाक बृहस्पति दिन सर्वोच्च अदालत में रिट दर्ता करौलन अछि। रिट के पेशी आसीन 7 गते तोकल गेल। अधिवक्ता सिंह जानकारी देलन अछि प्रतिनिधि सभा से दू बेर धरि पारित क के पठाओल गेल नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण कैल जेबाक राष्ट्रपति के संवैधानिक दायित्व पूरा कराब परमादेश के मांग सहित रिट निवेदन दर्ता कैल गेल ओ जानकारी दिलन। संविधान के द्वारा उपधारा 4 अनुसार अनुसार के व्यवस्था अनुसार वो अपन संवैधानिक दायित्व पूरा न कलखिन तई के लेल सर्वोच्च अदालत आदेश परमादेश देवे के होते कि उनका प्रमाणीकरण करके वही चीज के जैसे एम के रूप जैसे आगारी हो जो वर्षों से नागरिकता से वंचित थे वही व्यक्ति के नागरिकता प्राप्ति हो वही के लिए दायर करे। रेट में राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी के समेत विपक्षी बनाओल गेल छे। राष्ट्रपति से प्रमाणीकरण नहीं केनाय अपने में नागरिक से चुनल गेल संसद के घोर अपमान आ संविधान के उल्लंघन भेल जिक्र कैल गेल अछि। संगे नागरिकता से वंचित लाखों नेपाली नागरिक सभक संवैधानिक हक आ अधिकार ऊपर कुठाराघात भेल सेहो निवेदन में लिखल छे। तहिना विधेयक प्रमाणीकरण के लिए परमादेश जारी कर मांग सहित अधिवक्ता सागर बराल सौगात राज बराल कानून के विद्यार्थी अविनेश अधिकारी लगात राष्ट्रपति कार्यालय के विपक्षी बनाकर संयुक्त रूप में रिट दायर कैलक। रिट दायर बाद अधिवक्ता सागर बराल संविधान राष्ट्रपति के संविधान के संरक्षक मानलों पर संविधान अनुरूप विधेयक के प्रमाणीकरण नहीं कर संविधान के उल्लंघन कैल गेल बतौलन। सर केवल एक पटक मात्रै विधेयक फर्काउन पाउनुहुन्थ्यो तर उहाँले के गर्नुभयो भन्दाखेरि चाहिँ संसदले फेरि विधेयक फर्काइसके पश्चात समेत उहाँले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ प्रमाणीकरण नगरिकन नगरेको हुनाले उहाँले आफ्नो संवैधानिक दायित्व चाहिँ पुरा गर्नु भएन। नेपालको संविधानले राष्ट्रपतिलाई चाहिँ संविधानको संरक्षक मानेको छ। यहाँ त संरक्षकले नै संविधान चाहिँ भङ्ग गरेको अवस्था चाहिँ प्रष्ट रूपमा देखिन्छ। यो नेपालको संवैधानिक इतिहासमा नै यो एउटा चाहिँ संवैधानिक कु भनेर भन्छु म यसलाई। यो एउटा कन्स्टिट्युसनल क्राइम समेत हो। त्यसैले चाहिँ राष्ट्रपतिले जुन चाहिँ आफ्नो संवैधानिक दायित्व पुरा गर्नुभएको छैन त्यसलाई आधार लिएर चाहिँ दायित्व पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ, नागरिकता सम्बन्धी विधेयक चाहिँ प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ भनेर सर्वोच्च अदालतमा हामीले परमादेशका लागि जिकिर लिएका छौँ। हो दायर कैल गेल रिटमे राष्ट्रपति के नाव में संविधानक धारा 133(2)(3) बमोजिम परमादेश के आदेश जारी करकै के मांग कैल गेल छै।